For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल गफूर सज्जाद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। मेरा टोटल जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो 21 साल का है और गुज़िश्ता 5-6 साल से मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता हूँ और यहाँ पर फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। हेल्थ से रिलेटेड इशू है, स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल, जिनको आप जोड़ों के दर्द या पट्ठों का खिंचाव या रीढ़ की हड्डी के मसाइल कह सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को भी, क्योंकि जितने जितने हम एडवांस इन टाइप ऑफ मोबाइल गैजेट्स, लैपटॉप, हमारे ऑफिस सेटिंग, हमारा ज़्यादातर वक्त जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर पर गुजरता है, तो उस पोजीशन से हमारी पोजीशन, हमारे पोस्चर ऐसा होता है कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमारे जो है वो गर्दन के पट्ठों पे उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, हमारे रीढ़ की हड्डी पे उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, इवन हमारे जो नौजवान हैं, इवन हमारे जो बच्चे हैं वो भी इससे जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो इन सारी जो प्रॉब्लम है, इसका जो सोल्यूशन है, हमारे यहाँ जो आम पब्लिक है उन सब का सोल्यूशन ढूंढती है, या तो वो जाती है किसी डॉक्टर के पास, जीपी प्रैक्टिस के पास। तो अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है, अगर आपके मोहरों में कोई मसला है, अगर आपकी कोई डिस्क स्लिप होगी, अगर आपके जोड़ों का दर्द है, तो पूरी दुनिया में उसका जो पहला इलाज है, जो कंसल्ट पर्सन है, वो फिजियोथेरेपी है। अगर फिजियोथेरेपी जो है वो कुदरती तरीके से इलाज है, फिजियोथेरेपी में ना तो कोई अद्वियात का सहारा लिया जाता है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाए जाते हैं, बल्कि आपका जो है वो जो असेसमेंट है, जो आपको तशखीस है, वो भी जो है वो बग़ैर किसी टेस्टों की जो है वो की जाती है। और फिजियोथेरेपी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आपको इन चीज़ों का प्रॉब्लम है, अगर फिजियोथेरेपी जो है विदाउट एनी अद्वियात या मेडिसिन के जो है उस प्रॉब्लम को आपको ठीक करेगी। फिजिकल थेरेपी अमूमन जो लोग समझते हैं कि शायद ये वर्जिश है, वर्जिश से मुराद ये है कि शायद डॉक्टर इन्हें भगाएगा, और अमूमन अक्सर हमारी फीमेल पेशेंट हमसे ये कहती हैं कि हम तो पूरा दिन घर का काम करते हैं, या मैं जो है वो कोई मेल पेशेंट हमें कहते हैं कि हम पूरा दिन वॉक भी करते हैं, शाम के मॉर्निंग वॉक करते हैं। एक्सरसाइज का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। मैं अगर पूरा दिन इस टेबल पे कुर्सी पे बैठ के पूरा दिन काम करता रहता हूँ, तो इसके ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज एक तो वो एक्सरसाइज है, वो वर्जिश है, जो आप अगर एक सेहतमंद हैं तो आप वर्जिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं, बीमार इस टर्म में कि आपका कोई पट्टा खींच गया है, आपको कोई जोड़ों का मसला है, आपको कमर दर्द है, उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो एक फिज़िकल थेरेपिस्ट जो है उससे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। जिस तरह मेडिसिन, एक बंदे की मेडिसिन दूसरे बंदे को आप नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, इसी तरह एक पेशेंट या एक आपको प्रॉब्लम है, उसकी एक्सरसाइज हम दूसरे पेशेंट को नहीं दे सकते। हर पेशेंट के लिए उसकी उम्र के हिसाब से, उसके काम की नौयत के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से एक्सरसाइज को या वर्जिश को अलग से जो है वो प्लान किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आप प्रॉपर वर्जिश करेंगे तो फिजियोथेरेपी तरीका इलाज के अंदर ना तो आपको जो अद्वियात जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लेनी पड़ेंगी, ना आपको जो है वो ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ेगा, बल्कि फिजियोथेरेपी से आप उस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। अगर आपके जिस्म में कोई ऐसा मसला है जिसको हम कहते हैं कि मैकेनिकल फॉल्ट है, अगर हम उसको मेडिसिन से अगर आप ट्रीट करते हैं तो वो सिर्फ आपको दर्द महसूस नहीं करने देंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मोहरा रोटेट हो गया है, आपने उस मोहरे को अपनी जगह पर वापस लाना है या डिस्क को अपनी जगह पर वापस लाना है, तो सिर्फ मेडिसिन उसको वापस लाएंगी। या अगर आपको कोई पट्ठा जो है वो खिंच गया है, वो छोटा हो गया, या आपके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उससे मेडिसिन से आपको पेन महसूस नहीं होने देंगी। उस पट्ठे को अपनी हालत में वापस लाना, उस जोड़ को नरम करना या मोहरे को अपनी जगह पे वापस बिठाना, वो एक फिजियोथेरेपी का काम है। हमारे यहाँ अमूमन जो नौजवान हैं जो शौक़ में जिम जाते हैं और जिम में एक्सरसाइज भी करते हैं, हमारे यहाँ असल में प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा कमी है जो ट्रेनिंग प्रॉपर लेते हैं। हमारे नौजवान, बहुत सारे पेशेंट हमारे हैं जो जिम में जाते रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने कमर को नुकसान पहुँचाया है, अपने जोड़ों को नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि वो दिन जानते नहीं हैं कि उन्होंने किस किस्म की एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह आम पब्लिक में भी यही है। फॉर एग्जांपल, आपको जोश चढ़ा,
आपने कहा मैंने बस इस हफ्ते से वर्जिश स्टार्ट करनी है और पहले दिन ही आप जो है वो 2 मील भाग गए। अब आपका जिस्म उसके लिए तैयार नहीं है। अगर आपने वर्जिश भी करनी है तो आपके जिस्म को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और जब आप प्रॉपरली जो है वो अपने जिस्म को उसके हिसाब से तैयार करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को उसका जो है वो आदी बनाएंगे तो आप मुस्तकबिल में इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह हमारे अमूमन एक और चीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है कि आपको जो भी मसला है, आजकल माशाल्लाह किसी के पास मोबाइल है, नेट अवेलेबल है, आप अपना प्रॉब्लम लिखते हैं नेट के ऊपर और वहाँ से चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। एक बहुत ज़्यादा टर्म हमें पेशेंट की क्वेरीज आती हैं, पेशेंट हमसे कहते हैं कि कायरोप्रैक्टर हमने करवानी है। कायरोप्रैक्टर एक पुराना तरीका इलाज था, कायरोप्रैक्टर हो गया, ऑस्टियोपैथी हो गई, जैसे बोन सेटर हैं हमारे यहाँ जो पहले कुम्हार काम करते थे या पहलवान अभी भी गांव देहातों में काम करते हैं, जो जोड़ों को बिठाते हैं, वो जोर लगाते हैं। अब ये साइंस चेंज हो गई है, अब ये जो है वो जो फिजियोथेरेपी की बेसिक एजुकेशन है वो 5 साल की, उसके बाद MS है, फिर PhD है, तो अब ये जो है वो एक साइंस आ गई है और साइंस के अंदर सारा का सारा जो इनसार है वो एविडेंस पे है, रिसर्च पे है कि इस काम का, इस टेक्निक का कितना फ़ायदा है और कितना फ़ायदा नहीं है। अब लोग हमें क्यूरी करते हैं कि आप हमें कायरोप्रैक्टर करें, आप हमें स्पाइन को मैनिपुलेट करें। कायरोप्रैक्टर एक तरीका करते हैं कि वो स्पाइन को मैनिपुलेट करते हैं, आपकी आवाज़ें आती हैं टक टक और आप समझते हैं कि शायद मेरा स्पाइन जो है वो बेहतर हो गया। हमारी फील्ड के अंदर कायरोप्रैक्टर हमारी 100 टेक्निक में से एक टेक्निक है जिसको हम मैनिपुलेशंस कहते हैं, जो कायरोप्रैक्टर जो करते हैं। हर चीज़ को एक ही औजार से या एक ही हथियार से ट्रीट या इलाज नहीं किया जाता। अगर कोई पेशेंट मैनिपुलेशन से ठीक हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पेशेंट भी मैनिपुलेशन से ठीक हो। तो फिजियोथेरेपी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मर्ज़ की तशखीस करके उसका इलाज जो है वो दरियाफ्त किया जाए और उस इलाज से अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू किया जाए, नहीं हो रहा तो दोबारा तशखीस की जाए। अगर आपकी इलाज की तशखीस ठीक नहीं है तो डेफिनेटली जो भी इलाज किया जाएगा उससे आपको जो है वो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। हमारे यहाँ आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो स्पाइन में डिस्क के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और डिस्क के लिए जब आप सर्जन के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास एक ही हल है कि डिस्क को निकाल दिया जाए। याद रखें कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो एक ख़ास तनासब से पैदा की है, किसी चीज़ के बारे में हम नहीं कह सकते कि यह ज़्यादती है, इस चीज़ की कमी है। अगर एक दफ़ा आपका ऑपरेशन हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव प्रेशर्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। एक जगह अगर ऑपरेशन हो चुकी है तो वो जगह कभी भी दोबारा उस तरीके से वापस नहीं आ सकती। हाँ, बाज़ दफ़ा मजबूरी में हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे आपका फ्रैक्चर हो गया है, आपको कोई ट्यूमर हो गया, आपको कोई कैंसर हो गया, आपको कोई और उसूली टाइप बन गई है, तो डेफिनेटली। लेकिन अगर आपके पास उसका अल्टरनेटिव इलाज मौजूद है, जैसे हमारी फिजियोथेरेपी में डिस्क का जो है वो इलाज मौजूद है, हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो आपके रीढ़ की हड्डी को खींचती हैं, स्पेस बनाती हैं ताकि डिस्क आपकी वापस अपनी जगह पे चली जाए। हमारे पास ऐसी लेज़र थेरापीज़ हैं, हमारे पास मैनुअल टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम स्पाइन को बिल्कुल खोलते हैं और मैनुअली उसको एडजस्ट करते हैं, एक एक मोहरे को अपनी जगह पे जो है वो वापस बैठाते हैं और कोशिश करते हैं कि 100% जो है उस वो डिस्क को अपनी जगह पे वापस लाएं। डिस्क को अपनी जगह पे वापस लाना, उसके बाद जो है वो कुछ एक्सरसाइज पेशेंट को बताना ताकि दोबारा ना हो। याद रखें, अगर आप डिस्क का ऑपरेशन करवाते भी हैं तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो, ना ये इस बात की गारंटी है कि आपको जो है दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई डिस्क एक वक्त में स्लिप हो जाए तो उसके चांसेस 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि दोबारा भी स्लिप हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो पट्टे हैं वो इतने मजबूत हों कि नॉर्मल जो आपकी काम की रूटीन है उसके अंदर जो है वो स्पाइन पे प्रेशर ज़्यादा ना आए। एक और केस अमूमन हमारी OPDs में बहुत ज़्यादा आता है, ज़ाहिर हमारे वालदेन को जोड़ों की तकलीफ होती है, हम फौरन तैयार हो जाते हैं कि इनको ऑपरेशन करवाते हैं, नए घुटने डालते हैं। मैं इस पर एक एग्जाम्पल ये देता हूँ कि आपका कमरा बिल्कुल टूटा फूटा है, उस कमरे के अंदर आप सिर्फ दरवाज़ा नया लगा दें तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पूरे कमरे को जो है वो चेंज कर देते हैं। इसी तरह आप अगर अपने वालदेन की घुटनों के दर्द की वजह से परेशान है तो उसका सिर्फ एक इलाज नहीं है कि आप घुटना चेंज करवा दें। क्यों? आप सिर्फ घुटना चेंज कर रहे हैं, आप उन पट्ठों को चेंज नहीं कर रहे,
आप जो है वो पेशेंट के जो जोड़ है ऊपर और नीचे, आप जो कमर के जो उनके मसाइल है वो ठीक नहीं कर रहे, सिर्फ एक जोड़ को चेंज करने से हाँ वक्ती तौर पे उनका दर्द कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पट्टे कमज़ोर हैं तो वो पेशेंट नहीं चल सकता, चाहे आप जिस मर्जी नौयत का घुटना जो है वो चेंज करवा दें। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो है वो 8-10 लाख का घुटना तो चेंज कर देते हैं, लेकिन पेशेंट को वो एक्सरसाइज या उस तरह रिकमेंड नहीं करते वर्जिश की तरह, ताकि पेशेंट उन घुटनों का फ़ायदा मुकम्मल तौर पे उठा सके। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ के बाहर ममालिक की बात करें तो उनके पास भी इट्स नॉट अ फर्स्ट चॉइस कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आप जोड़ जो है वो तब्दील करवा लें, बल्कि जोड़ों के दर्द के अंदर सबसे पहले फिजियोथेरापी है, फिर आपकी जो है वो कुछ एक्सरसाइज है, फिर कुछ मशीनें हैं, कुछ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सके। यकीनन उम्र के साथ साथ जो जोड़ों में टूट फूट का अमल होता है उसको हम 100% ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि आप उन जो दर्द को अपने रोज़मर्रा के काम में उसमें कॉप अप कर सकें, उसको हम अवॉइड कर सकें, कि आप अपने रोज़मर्रा काम आसानी से कर सकें। हमारे पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, हम बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हमारे पास इमोबलाइजर्स होते हैं, हमारे पास स्प्लेंट्स होते हैं, उनकी मदद से वॉकिंग एड की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और उस परेशानी से बच सकते हैं। जिसके एक बहुत बड़ा जो है वो पेशेंट हमें फीडबैक देते हैं कि हमारा तो ऑपरेशन हुआ है, आप तो हम उठ भी नहीं सकते। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो ऑपरेशन के पहले काफ़ी हद तक चलते फिरते थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद उस तरह जो है उनका चलना फिरना नहीं होता। तो फिजियोथेरापी अब वो वाली फिजियोथेरापी नहीं है जो कुछ अर्सा पहले हुआ करती थी। फिजियोथेरापी की फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं आई हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि अगर आपको पट्ठों जोड़ों या कमर के मसाइल हैं तो सबसे पहले आप फिजियोथेरापी से रब्ता करें, अपने करीबी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, अपनी बीमारी डिस्कस करें, क्योंकि मेडिसिन से आप जितना बच सकते हैं उतना आपको जो है वो बचना चाहिए। थैंक यू फॉर द मरम जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। डेफिनेटली आप मैं 5 डेज़ अ वीक अवेलेबल होता हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट का जो नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, आप उस पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैक्स में हमारी जो OPD सर्विसेज है फ्रॉम 9 to 9 इवनिंग तक है, और मैं शाम में होता हूँ, मॉर्निंग में मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होता हूँ, लिहाजा मेरी अपॉइंटमेंट के लिए आपको जो है वो आप शाम को रिजू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप शाम को रिजू कर सकते हैं। आप शाम को रिजू कर सकते हैं।